ऑल राइट अब अंडरस्टैंड कर लेते हैं टेक्नोलॉजी जो हमने पहले भी कई बार डिस्कस किया हुआ है। अगर एलिप्स के लिए आप एस लोगे तो एस क्या होगा, एस इक्वल टू जीरो इज द इक्वेशन ऑफ एलिप्स। तो एस इज शॉर्ट फॉर एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर माइनस वन। फिर याद करो एस वन और एस वन वन लिखना, ये आपको आना चाहिए। तो एस वन के लिए क्या होगा, एक्स स्क्वायर विल बिकम एक्स एक्स वन, वाई स्क्वायर विल बिकम वाई वाई वन। एस वन क्या हो जाएगा, एक्स एक्स वन बाय ए स्क्वायर प्लस वाई वाई वन बाय बी स्क्वायर माइनस वन, ये एस वन हो जाएगा। और एस वन वन हो जाएगा एक्स वन स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई वन स्क्वायर बाई बी स्क्वायर माइनस वन। तो एस वन ये होगा, और एस वन इक्वल टू जीरो आपको पता है क्या होता है, रिप्रेजेंट्स थ्री थिंग्स, याद करो पढ़ा हुआ है हमने, टेंजेंट भी होता है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट भी होता है और पोलर भी होता है। तीनों हम लिखने का तरीका एस वन होता है, तो वो एस वन वहाँ पर यूज होगा। एस वन वन से आपको क्या पता लगता है, पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू एलिप्स। एस वन वन पॉजिटिव आया तो पॉइंट विल बी आउटसाइड द एलिप्स, एस वन वन नेगेटिव आया तो पॉइंट विल बी इनसाइड द एलिप्स, एंड एस वन वन जीरो आया तो पॉइंट विल बी ऑन द एलिप्स। ऑलराइट, अब आपको जो इसमें याद रखना है कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिखने के दो तरीके हैं। तो व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट एक्स इक्वल टू ए कॉस थीटा बी साइन थीटा। तो आप क्या करोगे, आप एस वन इक्वल टू जीरो जब आप लिख रहे हो तो ये आ जाएगा एक्स एक्स वन बाई ए स्क्वायर प्लस वाई वाई वन बाई बी स्क्वायर इक्वल टू वन, उसको आपने ऐसे लिखा है। और फिर आपने एक्स वन को डाला है ए कॉस थीटा और वाई वन को डाला है बी साइन थीटा। तो एक्स वन की जगह आपने पुट किया है ए कॉस थीटा और वाई वन की जगह आपने पुट किया है बी साइन थीटा। एक ए और एक ए कैंसिल होगा, एक बी और एक बी कैंसिल होगा, इक्वेशन आएगी एक्स बाई ए कॉस थीटा प्लस वाई बाई बी साइन थीटा इक्वल टू वन। तो दिस इज इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट ए कॉस थीटा बी साइन थीटा, ये ध्यान रखना है। ये किसकी इक्वेशन है, टेंजेंट की इक्वेशन एट व्हाट पॉइंट, एट ए कॉस थीटा कॉमा बी साइन थीटा। दूसरा जो हमने याद रखा हुआ था वो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, अगर वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होता है तो ये लाइन कहाँ टच करती है, ये कैसे आएगा। इसमें हमने लिखा है एक्स एक्स वन बाई ए स्क्वायर प्लस वाई वाई वन बाई बी स्क्वायर माइनस वन इक्वल टू जीरो, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ली है। और वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी को हमने ऐसे लिखा है एम एक्स माइनस वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो, कंपेयरिंग दीज टू आर इक्वेशन ऑफ द सेम लाइन, देयरफॉर ए वन बाई ए टू इज इक्वल टू बी वन बाई बी टू इक्वल टू सी वन बाई सी टू से आएगा एक्स वन माइनस ए स्क्वायर एम बाई सी और वाई वन बी स्क्वायर बाई सी। तो ये लाइन वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी कहाँ पर टच करती है, एलिप्स को एट पॉइंट एक्स वन, एक्स वन क्या हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर एम बाई सी और वाई वन क्या हो जाएगा बी स्क्वायर बाई सी। एंड ऑल्सो रिमेंबर दैट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज रिटन एज वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो आपने ये ऑलरेडी पहले याद किया हुआ है, दिस इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ऑफ स्लोप एम। एक स्लोप के दो टेंजेंट होते हैं, एक प्लस साइन के साथ होता है एक माइनस साइन के साथ होता है। और यहाँ पे हमने लर्न किया इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट ए कॉस थीटा बी साइन थीटा, वो इक्वेशन ये होती है। तो टेंजेंट आपको दो तरीके से लिखने आनी चाहिए, ये दो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आपको अच्छी तरह से याद रखना।